आज मैं आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो कि आपके प्रॉम्प्ट्स को जो कि आप चैट जीपीटी पे लिखते हो या फिर किसी भी जनरेटिव एआई टूल के ऊपर लिख रहे हो उस पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आपके पूरे काम को एक नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स एआई चैट जीपीटी से रिलेटेड बात करता रहता हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक एआई प्रॉम्प्ट फॉर्मूला के बारे में जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आज हम लोग सीधे प्रॉम्प्ट के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम लोग देखो अभी क्या कर रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो वही प्रॉम्प्ट लिखते हैं जो उन्होंने गूगल पे लिखा है। तो अगर उनको रेज्यूमे चाहिए या फिर इंटरव्यू में कैसे सिलेक्ट हुआ जाए तो वो सीधे गूगल पे जाके टाइप करते हैं हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन एन इंटरव्यू। वही सेम क्वेरी वो लोग चैट जीपीटी पे भी डाल देते हैं। और किसी को अगर ईमेल भेजने हैं, आउटरीच करना हो, सेल्स आउटरीच करना हो, तो वो सीधे लिखते हैं गिव मी अ सेल्स आउटरीच टेम्पलेट, उसी पे वो कॉपी करते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं। चैट जीपीटी पे भी वो लोग वही कर रहे हैं, गिव मी अ सेल्स टेम्पलेट, उस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल देंगे बस। तो वो नहीं होना चाहिए। गूगल की सर्च क्वेरीज अलग रहती है, चैट जीपीटी पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट वे में उससे बात करनी पड़ेगी। दैट्स एन एआई, वो सर्च इंजन है। हेरा फेरी में एक डायलॉग था ना कि सोने की कटोरी दे दो फिर भी भीख मांगोगे। तो एट प्रेजेंट बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं, उनके हाथ में जो है चैट जीपीटी दैट इज ऑफ गोल्ड, और वो लोग उससे क्या कर रहे हैं, वही गूगल वाली हरकतें कर रहे हैं। तो अगर आपको गोल्ड की सही पावर का यूज़ करना है तो यू नीड टू बी द गॉडफादर ऑफ दैट। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने प्रॉम्प्ट से जो कि मैं यूज़ करता हूँ। और अगर आपने ये सीख लिया तो योर लाइफ विल बी मच ईजियर इन दिस इंडस्ट्री। तो इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे गॉड लेवल प्रॉम्प्ट या फिर गॉड फादर प्रॉम्प्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम चैट जीपीटी को एक रोल असाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमने रोल दे दिया, उसके बाद में एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अपने बारे में या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में जो भी हमने रोल दिया है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। एक टास्क दे देते हैं कि अच्छा उसको करना क्या है, कि भाई ये तेरा काम है तुझे ये करना है। आउटपुट, आउटपुट मीन्स कि मुझे एंड रिजल्ट कैसा चाहिए, मैं कैसे उसको इमेजिन कर रहा हूँ। आउटपुट दे सकते हो या फिर इनफैक्ट इवन एग्जांपल भी दे सकते हो, फॉर रेफरेंस या फिर फॉर एग्जांपल ऐसा होना चाहिए। देन नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स, क्या चीज़ मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि बहुत बार वो मार्केटिंग वर्ड्स, बज वर्ड्स और मतलब अननेसेसरी जागन इंक्लूड कर देता है। तो कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो वो सब नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स में आ जाता है। एंड टोन में भी हो जाता है कि कंसाइज, क्लियर या फिर टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए, तो वो सब टोन में सेट हो सकता है। तो टोन और नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स यूजुअली एक ही स्टेटमेंट में आ जाते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स गो हियर, ये रहा, ये है, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ सीनियर एक्सपीरियंस एचआर हु रिक्रूट्स आईटी फ्रेशर्स फ्रॉम कॉलेज इन इंडिया। तो ये जो पहली लाइन है मेरी, दिस लाइन, यहाँ पर मैं उसका रोल सेट कर रहा हूँ। मैंने उसको क्या बोला कि आप एक एचआर हो जो कि रिक्रूट्स करता है आईटी फ्रेशर्स फ्रॉम कॉलेज इन इंडिया। इंडिया यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि चैट जीपीटी बाय डिफॉल्ट यूएस पे वर्क करता है, तो अगर आप कुछ इंडिया रिलेटेड पूछ रहे हो तो आपको डालना पड़ेगा। एंड देन मैंने उसको यहाँ पे रोल असाइन कर दिया कि अब भाई तू ये है, तुझे यही एक्ट करना है। तो रोल बताना उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तू कौन है। तो वो मैंने उसको बता दिया कि तू ये है, अगेन गॉडफादर हूँ मैं जो चाहूँ वो मैं बना सकता हूँ। मैंने उसको यहाँ पर सीनियर एक्सपीरियंस एचआर बना। मेरा पर्पस क्या है, मुझे सीखना है कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है तो मुझे उसको पूछना है कि इंटरव्यू में मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, क्या क्या चीज़ें। फिर नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ पर, आई विल टेल यू व्हाट माय क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स आर एंड देन यू टेल मी हाउ शुड आई प्रेजेंट इट टू माय इंटरव्यूअर सो आई गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। काफ़ी बेसिक इंग्लिश और बकवास इंग्लिश में लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको टास्क दे दिया कि ये भाई तेरा टास्क है कि तू मुझे बता कैसे मुझे प्रेजेंट करना चाहिए और मैं तुझे क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट बताऊंगा अपने। तो ये मैंने उसको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे दिया, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी 7.2 और इंटर्नशिप किया, वर्ड कैंप पे वॉलंटियर किया, ये किया। एंड देन ये आपका जितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट होगा उतना अच्छा आपको आउटपुट भी मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक बेसिक से कॉन्टेक्स्ट लिया, आप और अच्छा कॉन्टेक्स्ट दोगे तो बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको। देन मैंने उसको एक आउटपुट दिया कि जो भी मैं आंसर्स करूँ रिक्रूटर के पास मेरी एक इमेज जानी चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, फ्रेंडली हूँ, ईगर टू लर्न हूँ, वर्क विद द टीम, कैन वर्क विद द टीम एंड आई एम एन एसेट दैट ब्रिंग्स मोर प्रॉफिट। तो जो भी मेरे इंटरव्यू ले रहा है, मेरा आउटपुट ये है कि जो भी मैं आंसर्स दूँ उसके दिमाग में मेरी एक अच्छी इमेज बननी चाहिए, कॉन्फिडेंट है भाई इसको तो लेना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीम प्लेयर है, ये एक बंदा एक एसेट है। मैं चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू सामने वाले के दिमाग में मेरी ये इमेज आ जाए। तो वो कैसे होगी, मैंने उससे वो भी बोला है।
और यहाँ पर मैंने टोन सेट कर दी क्लियर एंड कंसाइज मैनर, मार्केटिंग और बजवर्ड्स मत यूज़ करो, तो ये जो है ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट हो गया एंड देन दिस इज टोन। और यहाँ पर मैंने एक एडिशनल कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया उसको कि आप मुझसे एडिशनल क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर करूँगा एंड देन आप मुझे बताओ कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हो रहा है यहाँ पर मेरा और चैट जीपीटी का, नहीं किसके साथ हो रहा है, एक्सपीरियंस एचआर। यहाँ पे मैं GPT-4 यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास 3.5 है तो उस पर भी कर सकते हो, उस पर इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा लेकिन GPT-4 पे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये रहा उसका आउटपुट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसने क्या बोला आप ये सब बोलो उसको, मैंने किया है विच हैज़ गिवन मी अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन, ठीक है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ये किया है, ये एस्पेक्ट्स पर मैंने फोकस किया है, जहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल ये मिल गया है। तो एक अच्छी लैंग्वेज में उसने कर दिया है। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ जो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, What sparked your interest in this particular company and the role you applied for? कितना relevant question है, किसी भी interview पे जाओगे ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। Your answer should reflect your keenness about the company's value, work and the role you are applying for. इसने मुझे दे दिया कि क्या मेरा आंसर होना चाहिए। एंड देन सेकेंड जो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ हैव यू experiences prepared you for this role? Past experiences, roles, तो आप इस role के लिए क्यों perfect हो? तो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये दो मैंने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, आई रियली लाइक वर्किंग इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड हैव पास्ट नॉलेज ऑल्सो, बहुत ही बेसिक और बहुत ही रद्दी आंसर दिया है जो यूजुअली मैं कॉलेज में देता था। एट माई वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस एट वर्ड कैम मैंने ये सीखा एंड हाउ टू मैनेज विद द टीम, तो अब ये मैं इसको यहाँ पर देता हूँ एंड देन लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन विद AI। हियर्स यू कैन बेटर स्ट्रक्चर दिस व्हाइल यू आर शेयरिंग इंटरेस्ट इन सोशल मीडिया, योर पास्ट नॉलेज अबाउट इट, रिमेंबर फॉर इंस्टेंस, ये इसने एग्जाम्पल दे दिया मुझे यहाँ पर, आई एम जेन्युइनली पैशनेट अबाउट सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इट्स अ फील्ड दैट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स एंड रिवॉल्व्स माई पास्ट एक्सपीरियंसिस विच इज आई बिलीव दिस रोल विल अलाउ मी टू कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली वाइल कंटिन्यू टू डेवलप माई स्किल्स, ठीक है। एट वर्ड कैम आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन क्लोज कोलाबरेशन विद दिस I honed my ability to balance my individual tasks while contributing to a larger team. तो इसने जो फ्रेम करके दिया है मुझे भी यहाँ पे इसी तरीके से बोलना है। तो यू कैन जस्ट हैव अ डेमो इंटरव्यू एक HR के साथ में, आस्क मी सम मोर क्वेश्चंस एंड वी विल एंड आई विल आंसर दैट। तो अब ये कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है, मतलब यहाँ पर आपको एक HR मिल गया है जो आपको ट्रेन करके देगा कि भाई इंटरव्यू कैसे करना है, इंटरव्यू में क्या देना है। तो देखो अभी जो उसने मुझे क्वेश्चन पूछे वो कितने रिलेवेंट भी पूछे हैं। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट एंड हाउ यू हैंडल इट। उसके बाद व्हेन गिवन अ टास्क, टाइम और रिसोर्सेज कैसे मैनेज कर रहे हो अपने, और कोई ऐसे सिचुएशन के बताओ जिसमें आपका डिसएग्रीमेंट हुआ हो आपके टीम मेंबर के साथ और आपने उसको कैसे एड्रेस किया हो, क्या आउटकम रहा हो, एंड हाउ डू यू हैंडल फीडबैक, कैन यू शेयर एन इंस्टेंस व्हेन यू रिसीव अ फीडबैक। मतलब बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, जब भी आप लोग किसी एक हाई पोजिशन के लिए अप्लाई करोगे ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। अब आपको और क्या चाहिए, इसी तरीके से आप लोग UX में एंड डेवलपमेंट के लिए और ईमेल आउटरीच के लिए, सोशल मीडिया के लिए, सभी के लिए आप लोग ये फार्मूला को यूज कर सकते हो। एक बार मैं फिर से क्विकली रिकैप करता हूँ ये वाला फार्मूला और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। ये रहा फॉर्मूला, रोल कॉन्टेक्स्ट टास्क आउटपुट नेगेटिव प्रॉम्प्ट स्टोन। हमने क्या यूज़ किया था, ये था मेरा रोल वाला, देन ये था मेरा टास्क, मैंने पहले टास्क दे दिया। टास्क कॉन्टेक्स्ट मीन्स यू कैन चेंज द ऑर्डर, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखना है, आप ऑर्डर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बट ये सारी चीज़ें आपको देनी है प्रॉम्प्ट में। रोल सेट किया, टास्क दिया क्या उसका टास्क है, देन ये रहा मेरा कॉन्टेक्स्ट, ये था कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरीके से था कि ये मेरा आउटपुट है, आउटपुट देना भी ज़रूरी है, आउटपुट या एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग। देन नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स और टोन मैंने इसी सेंटेंस में दे दिया और ये एडिशनल क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पे उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि मुझे आगे क्या करना है और एक कॉन्वर्सेशनल टोन बना के रखे, मैं क्वेश्चन पूछते रहूँ, वो क्वेश्चन पूछते रहे, मैं आंसर करता रहूँ और देन वो मुझे करेक्ट करते जाए। तो दिस इज हाउ द गॉडफादर लेवल प्रॉम्प्ट वर्क्स। अब दो और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया मिल जाए कि कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ईमेल आउटरीच स्पेशलिस्ट का, मुझे एक कोल्ड ईमेल लिखवाना है तो वो मैं कैसे लिखवाऊंगा। अब ये देखो ये प्रॉम्प्ट कितना बड़ा है और जो इसका आउटपुट है वो कितना छोटा है। तो ऐसा बहुत बार होगा जहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट बढ़ा देना पड़ेगा लेकिन आउटपुट छोटा रहेगा। अब ऐसा क्यों करोगे आप लोग, क्योंकि एक तो आउटपुट आपको अच्छा मिल रहा है प्लस यू कैन रेप्लिकेट दिस। अब मैंने वाला मेरा एक बार प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बन गई है तो मुझे बस उसके इनपुट चेंज करने हैं एंड बाकी मुझे वो आउटपुट देता रहेगा। तो बहुत बार आपके प्रॉम्प्ट यहाँ पर बड़े होंगे। सो मैंने उसको क्या कहा है
कि ईमेल मुझे लिखना है, आप एक ईमेल आउटरीच स्पेशलिस्ट हो जो कि एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ ईमेल मार्केटिंग एंड आपको गेम्स खेलना भी बहुत पसंद है ऑन लैपटॉप्स। उसके बाद मैंने उसको बोला है, ये रहा मेरा टास्क, आई वॉन्ट यू टू राइट अ कोल्ड ईमेल टू अ पर्सन हु इज़ अ गेमिंग एंथुसियास्ट एंड इंट्रोड्यूस देम टू द गेमिंग लैपटॉप फ्रॉम एसूस। लैपटॉप का नाम ये है, लैपटॉप के फीचर्स क्या है, ये मैंने उनकी वेबसाइट से यहाँ पे कॉपी कर लिए थे, ये सब उस लैपटॉप के फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको और चीज़ें बताई हैं, कॉन्टेक्स्ट भी दिया है कि क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैन बेनिफिट देम इन देयर पर्सनल लाइफ, यूज़ द AIDF फ्रेमवर्क टू स्ट्रक्चर योर ईमेल। ये एक फ्रेमवर्क होता है, अगेन अगर आपने मेरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बात करी थी कि कैसे जो भी आपका नॉलेज है पुराना वाला वो आपके काम में आ सकता है, वो आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने में हेल्प करेगा। तो आपके पास बेसिक लेवल का नॉलेज होना चाहिए, जिसको पता ही नहीं है AIDF फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसको कंटेंट राइटिंग ही नहीं पता है, वो ये प्रॉम्प्ट कभी नहीं लिख पाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए। AIDF आप यूज़ करो, इसमें अटेंशन होना चाहिए, इंटरेस्ट बिल्ड होना चाहिए, क्रिएट डिज़ायर, प्रॉम्प्ट एक्शन, ये सब होना चाहिए। एंड देन अगेन यहाँ पर मैंने उसको और कॉन्टेक्स्ट दिया है, राइट अ पर्सनलाइज्ड एंगेजिंग एंड टू द पॉइंट कोल्ड ईमेल टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ अ रिस्पॉन्स, डोंट इंक्लूड एनी बजवर्ड्स। तो ये टोन में भी आ सकता है कि ये ऐसी टोन रखनी है मुझे और ये बजवर्ड्स वगैरह नहीं यूज़ करने हैं। तो अगेन यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट दे दिया है। एंड देन क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द रेसिपी एंड टू टेक एक्शन एंड लर्न मोर अबाउट द प्रोडक्ट, ये मैंने और उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। एंड देन यहाँ पर मैंने उसको एक टोन सेट कर दी कि कितने लेंथ में जाएगा, ये शुड बी बिटवीन 50 एंड 125 वर्ड्स। इसको टोन और नेगेटिव प्रॉम्प्ट दोनों को सेम में हम लोग रख सकते हैं। एंड लॉन्ग इनफ टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस बट शॉर्ट इनफ टू कीप द प्रोस्पेक्ट्स अटेंशन। एंड यहाँ पर मैंने उसको एक आउटपुट की जगह एक एग्जाम्पल दे दिया कि किस तरह से वो मुझे दिखेगा। तो आउटपुट दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, दोनों सेम ही है कि एट द एंड मैं कुछ इस तरह का यहाँ पर रिजल्ट चाह रहा हूँ। हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ द आइडियल कोल्ड ईमेल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कॉल टू एक्शन। तो ये इसने मुझे आउटपुट दिया है, अनलिश योर गेमिंग पोटेंशियल विद एसूस ROG --- एज अ फेलो गेमिंग एंथुसियास्ट। अब ये इसने क्यों बोला, क्योंकि मैंने उसको कहा था भाई तुझे जो रोल दिया है तू भी एक गेमिंग एंथुसियास्ट है एंड आप यहाँ पर उसको रीच कर रहे हो, तो ये रोल की वजह से उसने ऐसा बोला है। आई वॉज थ्रिल्ड ये टू इंट्रोड्यूस यू टू एसूस ROG, इट्स पैक्ड विद लेटेस्ट विच इंश्योर्स एंड अनप्रेसिडेंटेड, इट्स मिनिमल डिजाइन, लाइट वेट, हाई रिफ्रेश रेट, ठीक है, गुड गुड, डिड आई मेंशन द लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ और अप टू 10 ईयर्स। देखो कितना अच्छे से लिखा है इसने, टू एक्सप्लोर मोर प्लीज फील विजिट दिस, ये एक्शन आ गया, हैप्पी गेमिंग। तो पूरा मतलब कि गेमर के लिए इसने जो पर्सनलाइज मैसेज लिखा है ये सिर्फ उसी प्रॉम्प्ट की वजह से हो पाया है। अब मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, जिस तरह से गूगल पर सर्च करते हैं, राइट में कोल्ड ईमेल टू प्रमोट दिस, बस। और जो उसने ईमेल लिख के दिया है वो दिया है इतना बड़ा और किस तरीके से स्टार्ट किया है, होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज़ दिस, आई रिप्रेजेंट एसूस। फिर उसने बड़ा सा एक कोल्ड ईमेल लिख के दे दिया है जो कि जेनरिक लग रहा है, मैं है पर्सनलाइज है क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप की इंफॉर्मेशन उसने खुद ही ने इंटरनेट से ले ली है, लेकिन दिस और तो ये जो है इसमें कितना अच्छा हमने प्रॉम्प्ट दिया और कितना टू द पॉइंट हमें आउटपुट मिला है। जिस तरीके से इफ आई हैव टू डू द कोल्ड ईमेल आउटरीचिंग, मैं इस तरह से ईमेल लिखता ना कि उस तरीके से। अगेन यहाँ पर ये नहीं कि कितना बड़ा प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, यहाँ पर ये फैक्टर करता है कि आप लोग उसको प्रॉम्प्ट में इनपुट क्या दे रहे हो, वो रेलिवेंट है कि नहीं है। अगर आपने चार लाइन में सेम ही चीज़ें बोल दी तो भी वो बराबर ही रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रोल डिफाइन करना है, कॉन्टेक्स्ट, टास्क, नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स, टोन, ये सब वहाँ पर सेट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी, ताकि एक अच्छा आउटपुट मिल पाए। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर दी, फॉर मोस्ट प्लेटफॉर्म्स इट विल वर्क, चाहे वो बार्ड हो, चाहे वो ChatGPT हो, क्लाउड हो। एक बार आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि AI से बात कैसे करना है, यू आर गुड टू गो। अब मैं क्विकली यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेता हूँ, वैसे वीडियो थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो रहा है, या आई थिंक आई विल स्किप दिस वन, डू लेट मी नो अगर आपको लंबे वीडियोस पसंद हो तो, नेक्स्ट टाइम से मैं लंबे वीडियोस ही बनाऊंगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो आजकल लोगों को लंबे वीडियोस पसंद है। मैंने सोचा था मैं 5-10 मिनट में कर दूंगा, लेकिन ये तो बड़ा ही होते जा रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन, वीडियो अच्छा लगा थम्स अप दे देना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।